जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये मॉर्निंग का टाइम है और मतलब मॉर्निंग के आफ्टरनून हो गया है, तो क्योंकि आजकल लॉकडाउन में पता ही है कब मॉर्निंग होता कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी मॉर्निंग भी आजकल 10 बजे होती है, 9 या 10 बजे सो के उठते हैं। कभी कदार, रोज़ नहीं। जिस दिन बाबू की क्लास होती है उस दिन जल्दी जग जाते हैं, और जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन लेट उठते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रूम की हल्की सी क्लीनिंग कर रही हूँ। मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी कपड़े वगैरह धुल गए हैं, तो ये बेडशीट जो आज मैं चेंज कर रही हूँ ये आज नहीं धुलूँगी, मैं कल धोऊँगी। तो पहले मैं बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और बेडशीट चेंज करते करते बाबू आ गया है नहाकर, और दो अमरूद तोड़ कर लाया है, इसको पूजा करनी है। तो बाबू को मैं इधर नहलाकर कपड़े पहनते, अब थोड़ी गर्मी से मौसम हो गया है तो पाउडर लगाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसको घमोरियाँ भी इतनी जल्दी ही निकल जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको पहना देती हूँ कपड़े पहना कर फिर ये करेगा पूजा। सुबह से खा तो लिया इसने, बट अब नहा कर आया तो इसको बहुत शौक है इसको पूजा करने का। मैं ही अकेले में नहीं करने देती हूँ, माचिस वगैरह नहीं जलाने देती हूँ, लेकिन आज बहुत जिद कर रहा है और मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने कहा चलो कर लो पूजा। और ये डेली छत पेड़ में से अमरूद देखता है, तोड़ कर आता है, क्योंकि ये खाता नहीं है अमरूद, लेकिन ये पूजा करने के लिए तोड़ कर लाता है। तो फ्रेंड, ये नाइट का टाइम हो रहा है और आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं कैसे मेरे से रोज़ कुछ ना कुछ गलती होती आ रही है। ये मैं वीडियो एडिटिंग पे लगाकर सारे वीडियो पता नहीं कैसे मैं देख रही थी, मेरी मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की, तो पता नहीं कैसे सारी की सारी वीडियो मेरी डिलीट हो गई। और एडिटिंग कर चुकी थी, बस मुझे वॉइस ओवर करनी थी, तो मैं रात को ही वॉइस ओवर करती हूँ। जब वॉइस ओवर करने के लिए अभी देखा तो मैं बीच में से सारी क्लिप गायब थी, मुझे बहुत दुख हुआ। पता नहीं क्यों कैसे सारी क्लिपें गायब हो गई, मैंने तो वो उस वीडियो को डिलीट भी नहीं किया था, पुरानी वीडियो सारी डिलीट करी थी जिससे मेमोरी भरी हुई थी। तो सच में आज मेरे पास कुछ भी नहीं था डालने के लिए, तो बस मैंने थोड़ी सी हेयर ऑयलिंग कर ली, और मेरा देख रहे होंगे मेरा चेहरा भी उदास सा लग रहा है, क्योंकि जब सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है ना तो बहुत अजीब लगता है। सारे दिन वीडियो बनाओ, उसको एडिटिंग करो, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है, और ऊपर से मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। तो बस मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी, इधर कंघी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप डाल देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर गायब वीडियो ना डालो तो व्यूअर भी इधर उधर हो चले जाते हैं। एक तो हमारे व्यूअर अभी वो ऐसे भी कम आते हैं, अगर मैं वीडियो डालना छोड़ दूँगी तो फिर जो कुछ व्यूअर आते भी हैं डेली के फिर वो भी नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा मैं हेयर ऑयलिंग का ही डाल देती हूँ। और तो ये रात का टाइम है, बस ये करीब रात की कितने 1 बजे की बात है, मैं 1 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो बस वॉइस ओवर करने से पहले मैंने थोड़ा सा कॉम कर लिया, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो वैसे थर्सडे को वो तेल भी नहीं लगाते बाल में और ना शैम्पू करते हैं, तो अब तो फ्राइडे हो गया, क्योंकि 1:20 हो रहे हैं इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस ये फ्राइडे ही है। तो मैं फ्रेंड अब क्या बताऊँ, बस हो गई गलती। और तो फ़िलहाल आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, तो इसके लिए सॉरी।
तो बस इसी वीडियो को आप वॉच करिएगा और प्यार दीजिएगा बहुत सारा। और जो मेरे फ्रेंड नए आते हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो आगे जा सके और मुझे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इस टाइम मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटे व्यूवर्स को कितनी ज़रूरत होती है, एक एक व्यूवर्स की मतलब बहुत अहमियत रखते हैं। तो बस आप बस मेरे वीडियो का इतना ही है आज, कल से अच्छे से शूट करूँगी और ध्यान देकर वीडियो को संभाल कर रखूँगी। पता नहीं कैसे मेरा आज वीडियो डिलीट हो गया, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।